वीडियो इज अबाउट माय साड़ी कलेक्शन. तो मेरी शादी का जो हैवी जॉर्जेट साड़ी कलेक्शन है वो मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ. बिकॉज अभी लॉट्स ऑफ फेस्टिवल्स आर कमिंग एंड शादी का सीजन तो अभी चला गया है, बट मोस्ट प्रोबेबली आएगा विंटर्स में भी. सो मैं वो दिखा देती हूँ आपको, जो मेरी साड़ी का कलेक्शन स्पेसिफिकली जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो बनाई थी वो बनाई थी अपनी सिल्क साड़ी के कलेक्शन की. तो मेरे पास जो साड़ियाँ हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मुझे सिल्क साड़ियाँ ही ज़्यादा पसंद है, तो सिल्क साड़ी का कलेक्शन मेरे पास बहुत ज़्यादा है. जॉर्जेट का इतना नहीं है, बट जितना भी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ. थोड़ा सा हैवी वर्क है बिकॉज शादी का है. मेरी शादी को भी 2 ईयर्स हो चुके हैं, मैं साड़ी इतनी पहनती नहीं हूँ, तो साड़ियाँ मेरे पास इतनी है नहीं. मतलब है, शादी की साड़ियाँ हैं, मैंने अभी कोई इतनी साड़ियाँ खरीदी नहीं है शादी के बाद. तो मैं वही कलेक्शन आपको दिखा देती हूँ. तो या एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट कर देती हूँ, जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड. सो या गाइस, स्टार्ट करते हैं वन बाय वन अपनी साड़ियों का कलेक्शन. तो इसमें ना गाइस, मैं थोड़ी सी आपको शिफॉन और थोड़ी सी जो पॉली सिल्क वाली मेरी साड़ियाँ हैं उसका कलेक्शन भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको दिखा दूँगी. सिंस आई मीन बहुत ज़्यादा नहीं है तो मैं इस वीडियो में ही आपको दिखा दूँगी वो वाला कलेक्शन भी. तो हम स्टार्ट करते हैं अपना जॉर्जेट हैवी कलेक्शन जो है उससे. तो ये है फर्स्ट साड़ी, आप देख सकते हो कितनी हैवी है ये. ये मेरी सारी शादी की साड़ियाँ हैं, तो वो सिर्फ जॉर्जेट कलेक्शन जो है, बाकी मेरे पास सिल्क का कलेक्शन जैसा कि मैंने आपको बोला ज़्यादा है. तो मैं दिखा देती हूँ, फर्स्ट साड़ी है ये रॉयल ब्लू कलर. इसका कलर बहुत ही सुंदर है, मतलब पहनने के बाद इतना अट्रैक्टिव लगता है ना, वो कलर जो है ना बड़े बड़ा फेयर फेयर सा लगता है इसमें. तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखने में इतनी हैवी है ना, बट पहनने में उतनी ही कम्फर्टेबल है. आई मीन बहुत कम्फर्टेबल है. तो ये जो है वो इसका नीचे का वर्क है, दिखा देती हूँ मैं आपको. ये हैवी सा इसमें बहुत ज़्यादा हैवी वर्क है, ये इसका वर्क है. सो दिस इज दी साड़ी. ये है इसका पल्लू हैवी सा, ये साड़ी है. आपको पास से दिखा देती हूँ बिल्कुल, तो जो वर्क है ना इस टाइप का वर्क है. तो ये है, और ये इस पे हाफ साड़ी पे इस तरह का कुछ इस पे ये ऐसा वर्क है. तो ये तो आपका पल्लू हो गया गाइस, और ये हो गया आपका हाफ जो इस पे नीचे वर्क है सारा. तो ब्लू कलर विनीत का फेवरेट कलर है, मेरे हस्बैंड का फेवरेट कलर है, उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है. आई एम श्योर उन्होंने ही पसंद की होगी ये साड़ी. तो दिस वन इज फर्स्ट हमारी जॉर्जेट की साड़ी. अच्छी साड़ी है, बहुत सुंदर साड़ी है. तो जिन लोगों की शादी होने वाली है, जो लोग ब्राइड टू बी हैं, उन लोगों के लिए मैं ये कलेक्शन आई मीन काम आ जाएगा थोड़ा सा. वैसे तो अब बहुत लेटेस्ट डिज़ाइन की साड़ियाँ आने लग गई हैं. मेरी शादी को तो होने वाले हैं 3 साल, तो ये कलेक्शन जो है वो थोड़ा पुराना हो चुका है. तो न्यू कलेक्शन भी आ चुका है. सिंस मुझे दिखाना था, ये वीडियो बनानी थी, तो मैं आपको दिखा रही हूँ ये वाली वीडियो अगेन. तो मैं तो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट साड़ी पे. नेक्स्ट साड़ी जो है ना वो थोड़ा सा लाइट कलर है. आई एम श्योर बहुत लोगों को इतना लाइट कलर पसंद नहीं होगा, बट मुझे पसंद है तो मैं रखती हूँ अपने. जब इसमें आप अट्रैक्टिव से कोई ब्लाउज पहनोगे ना, बहुत सुंदर लगेगी ये साड़ी. ट्रेंड में है आजकल आपका जो पेस्टल कलर्स बोलते हैं, जिनको बहुत ट्रेंड में चल रहा है, ये भी बहुत सुंदर सी साड़ी है आपकी. ये देखिए ऐसा इसका ये डिज़ाइन है, और ये ऑफ वाइट कलर की साड़ी है. इस पर आप चाहें तो डार्क ग्रीन या ऑरेंज कलर का ब्लाउज अगर हैवी वर्क वाला आप पहनेंगे ना, बहुत सुंदर लगेगा, बहुत सुंदर लगेगा. जो वर्क है ना पूरा थ्रेड वर्क है, हैवी नहीं है, पहनने में कंफर्टेबल है बहुत ही. तो मुझे तो पर्सनली अच्छी लगती है. बाकी आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको कौन सी साड़ी ज़्यादा अच्छी लगी. तो ये इसका जो है वो नीचे नीचे का जो वर्क है वो इस तरह का कुछ वर्क है ऐसा. और जो इसका ब्लू है वो मैं दिखाऊंगी पूरा आपका, ऐसे एम्ब्रॉयडरी है और दिस काइंड ऑफ, ये देख रहे हो आप स्टिकर्स लगे हुए हैं इसमें. मैंने अभी तक ये साड़ी इनफैक्ट रेडी भी नहीं कराई है. आप सोच सकते हो मैं साड़ी पहनती ही नहीं हूँ, तो ये जो है ना स्टिकर्स भी अभी इन साड़ियों के लिए निकले हैं. शादी भी
साड़ी है मेरी सारी की सारी, इनके स्टिकर्स भी नहीं निकले, बहुत अच्छी साड़ी है, इस पर फिनिशिंग भी इतनी अच्छी हुई है ना, फिनिशिंग भी बहुत अच्छी साड़ी, देखिए बहुत, और वर्क भी इतना सुंदर है ना इसका, थ्रेड वर्क है पूरा, स्टोन प्लस थ्रेड वर्क, बहुत, जिन लोगों को मेरी तरह थोड़े से लाइट कलर पसंद है और जिनका फेयर कलर होता है ना थोड़ा सा, उनका ऐसे कलर्स ना बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं, सीरियसली बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। इसके साथ आप हैवी सा ब्लाउज पहनो बहुत सुंदर लगेगा। तो ये था हमारा सेकेंड कलेक्शन, एंड देन मैं थर्ड कलेक्शन दिखा देती हूँ, थोड़ा सा पीची और पीची तो नहीं बोलेंगे, ऑरेंज, लाइट ऑरेंज कैमरे में आए दोनों, बहुत ज़्यादा डार्क कैप्चर कर रहा है बट रियल में इतना डार्क ये है नहीं कलर, थोड़ा सा लाइट ऑरेंज शेड है ये, अगेन जॉर्जेट, तो इस पर भी आपका ये ऐसा ही वर्क है, स्टोन प्लस थ्रेड वर्क। तो साड़ियाँ जो है ना वो बहुत ज़्यादा जैसे स्टोन वर्क वाली मुझे नहीं पसंद है बहुत ज़्यादा, तो उस पर ना थ्रेड वर्क है ये, एक अगेन सी दिस इज वेरी लाइट वेटेड बट इसका बॉर्डर थोड़ा सा ऐसा हैवी सा है, बॉर्डर इसका बहुत हैवी है, ये देख सकते हो आप। सो अगेन दिस इज दी थर्ड वन, अब मैं इसको खोलूँगी नहीं, हैवी साड़ियाँ फोल्ड करने में ना आफत आ जाती है तो मैं दिखा देती हूँ, मतलब ऐसा ही है आपका जो पल्लू भी है वो, ये आपका पल्लू है पूरा इसका एम्ब्रॉयडर्ड, और इस तरह से इसकी ये इस तरह से इसकी लेस लगी हुई है इसमें, इसकी भी फिनिशिंग बहुत सुंदर है साड़ी की। तो या अगेन दिस इज दी थर्ड वन, ये थोड़ा सा ऑरेंज कलर है ये, सो दिस इज अगेन थोड़ा पास से दिखा देती हूँ आपको सो दैट आप देख पाओ कि क्या जरी का वर्क है इस पर आपका। तो दिस इज दी थर्ड कलेक्शन वी हैव, नाउ फोर्थ वन, अगेन दिस इज इन द शेड ऑफ ब्लू बट ये थोड़ा सा ब्लू का डार्कर शेड है, जो मैंने आपको पहले दिखाया था वो प्रॉपर रॉयल ब्लू कलर था, ये थोड़ा सा नेवी ब्लू के अंडर आ जाता है, नॉट एग्जैक्टली नेवी ब्लू बट थोड़ा सा उसी के अंडर आ जाता है जैसे नेवी ब्लू के अंदर। इसका जो बॉर्डर है वो इस तरह का हैवी बॉर्डर है, नीचे इसका हाफ थोड़ा सा इसमें नेट है इस तरह से, ये नेट का वर्क है और इसमें नेट का वर्क हुआ है ये, तो पूरी साड़ी में आपका ना ऐसा वर्क है सर्जरी वाला जो बोलते हैं वर्क, ये सी दिस इज अगेन ब्यूटिफुल साड़ी। ये वाली साड़ी मैंने पहनी हुई है दिवाली पे, लास्ट दिवाली पे मैंने पहनी थी ये वाली साड़ी, तो ये मैंने रेडी कराई हुई है, इसका ब्लाउज सब रेडी है ये भी, बिकॉज ऐसे कलर्स ना ये देख सकते हो इसमें ना आपका कलर बड़ा फेयर सा लगता है, जैसे हम लोग जो है थोड़ा सा वीटिश कलर वाले जो लोग वीटिश कलर वाले जो लोग हैं उनका, उन पर ऐसे कलर्स ना बड़े जाते हैं, आई मीन बहुत अट्रैक्टिव लगता है पहनोगे ना जब आप, तो बहुत ही अट्रैक्टिव सा पहनने में लगता है। तो अगेन दिस वॉज दी फोर्थ वन, एंड फिफ्थ वन मैं आपको दिखा देती हूँ, अगेन ये थोड़ा सा आपका मैं बता देती हूँ, ये थोड़ा सा ना आपका पॉलिश सिल्क बोल सकते हैं इसको, प्रॉपर जॉर्जेट नहीं है, प्रॉपर जॉर्जेट तो नहीं है, आई थिंक येस इट्स अ पॉलिश सिल्क, ग्रीन कलर है और हैवी सा वर्क है, ये भी मेरी शादी की साड़ी है ये, आई थिंक आई डोंट नो, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में सिल्क वाले कलेक्शन में आई थिंक दिखाई थी, मुझे तो याद नहीं है, फिर भी कोई बात नहीं मैं दिखा देती हूँ बाद में। ऐसा इसमें गोल्डन हुआ के बहुत ही सुंदर साड़ी है, इसका ब्लाउज बहुत ही सुंदर है, तो ये इसमें ऐसा जो आपका बॉर्डर है ऐसे मोर बना हुआ है, दिस इज दी साड़ी, पहनने के बाद ही ना तो बहुत ही ग्रेसफुल लगती है ये वाली साड़ी, जो बहुत अच्छी लगती है कलर भी बहुत सुंदर है इसमें। तो दिस इज हमारी फिफ्थ वन, ये हमारी फिफ्थ साड़ी है, तो ये अगेन, तो ये साड़ियाँ जो मैं दिखा रही हूँ आपको जैसे मैंने बोला था हैवी कलेक्शन में है, थोड़ा सा अगेन थोड़ा सा पीची ऑरेंज शेड में है ये, थोड़ा सा डबल शेडेड है, अगेन दिस इज पॉली क्रीप, तो
जॉर्जेट का जैसे मैंने बोला था इतना कलेक्शन नहीं है, तो मैं दिखा देती हूँ। ये भी है, इसको भी मैंने अभी तक रेडी नहीं कराया हुआ है। ये साड़ी भी मैंने अभी रेडी नहीं कराई है, आप देख सकते हो। ये इस तरह की थोड़ा सा ऑरेंज और पीच ऐसा इस पर एम्ब्रॉयडर्ड वर्क है आपका सारा, जरी का वर्क है और ऐसा इसमें बॉर्डर है। ये भी बहुत ही सुंदर साड़ी है। ये भी अगेन मैंने अभी रेडी नहीं कराई है। इसमें कुछ साड़ियाँ तो फ्रेंड्स ऐसी हैं जो मैं ना बैग आपके सामने खोल रही हूँ तो मेरी माँ देखेंगी ना, बोलेंगी अच्छा मैंने साड़ी ये भी रेडी नहीं कराई है अभी तक। सो अगेन इसका जो पल्लू है वो बहुत ही आई मीन सिंपल है। इसका पूरी साड़ी में ना ऐसा ही है, ये है और इसमें हाफ आपका ऐसा नीचे की साइड ऐसी एम्ब्रॉयडरी है, ये इस तरह से ये एम्ब्रॉयडरी है इसमें, यू कैन सी। तो ये भी अगेन हैवी साड़ी है। अब जो फेस्टिवल सीजन आने वाला है ना, तो थोड़ा सा अब मैं साड़ियाँ इसमें है कुछ कुछ रेडी है जो मैंने पहनी हुई है, बट जैसे अगेन दो साड़ियाँ मैंने आपको दिखाई हैं जो मैंने अभी तक छुई भी नहीं है, रेडी भी नहीं कराई है, तो वो मैं मेक श्योर करूँगी कि मैं इनको रेडी करवाऊँगी और पहनूँगी अच्छे अच्छे से। और अब तो मैं अपनी यूट्यूब वीडियोस बनाती हूँ तो उसमें भी मैं पहनूँगी उसमें भी मैं पहन के आपको दिखाऊँगी। तो यार ये हमारी साड़ियाँ हैं। तो ये है मेरा अगेन 6th कलेक्शन। ये इसका तो ब्लाउज भी नहीं अभी मैंने कटवाया हुआ है, इसका ब्लाउज भी साड़ी के अंदर है, तो आई एम श्योर मैं इसको रेडी करूँगी। सो यह गाइस दिस वाज ऑल अबाउट माय हैवी कलेक्शन ऑफ जॉर्जेट साड़ीज और थोड़ी सी पॉलीक्रीप वाली। तो ये मेरा हैवी कलेक्शन था। अब मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा लाइट वेटेड, जो मतलब आप पहन सकते हो डेली यूज में, जब आप न्यूली मैरिड हो तो आप डेली वेयर में भी आप कैरी कर सकते हो, तो उस तरह की साड़ी मैं आपको दिखा देती हूँ। और इसमें कुछ साड़ियाँ शिफॉन की भी है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो या फर्स्ट जो है वो है ये साड़ी, ऑरेंज और रेड इसमें थोड़ा सा मिक्स है, नॉट एग्जैक्टली ये थोड़ा सा ना आप इसको डार्क ऑरेंज बोल सकते हो, ये इस टाइप से। तो इसका जो बॉर्डर है वो ऐसा ब्लैक बॉर्डर है, उसका जो ब्लाउज है ना वो इसी तरह का ब्लैक ब्लाउज है। बहुत ही पहनने के बाद इतनी सुंदर लगती है ना ये साड़ी, ऐसा ही इसमें आपका पूरा जो है मतलब बहुत ही लाइट हल्की है और पहनने के बाद सुंदर सी लगती है। ये इसका बॉर्डर है बहुत ही सुंदर ये। तो अगेन इस टाइप की साड़ीज ना हम अपने कलेक्शन में रख सकते हैं, जब आपको डेली वेयर में साड़ी पहने आप बहुत हैवी स्टोन वर्क और जो जरी वर्क वाली साड़ी आप नहीं पहन सकते हो, तो इस तरह के आप रख सकते हो थोड़ी सी लाइट वेटेड साड़ी अपने कलेक्शन में डेली वेयर के लिए। तो अगेन मैं सेकेंड कलेक्शन दिखा देती हूँ। ये है पॉलीक्रीप प्लस जॉर्जेट, थोड़ा सा मिक्स है इसमें, और इसमें नीचे जो है ना आजकल सीक्वेंस बड़ा ट्रेंड में चल रहा है, सीक्वेंस का वर्क, सो वो इसमें नीचे आपका इस टाइप का वर्क है। इसमें आप चाहो तो ब्लाउज पहन सकते हो, इस तरह का बहुत ही ग्रेसफुल और डिजाइनर लुक देगी ये साड़ी। ये साड़ियों में ना बहुत डिपेंड करता है कि आप तो साड़ी को किस तरह से कैरी कर रहे हो और किस तरह से आप चाहे तो उस साड़ी को ट्रेडिशनल लुक भी दे सकते हो, आप चाहे तो बहुत ही फैशनेबल और ट्रेंडी लुक भी दे सकते हो। तो अगेन दिस इज दी साड़ी, अगर आपको इसको ट्रेडिशनल वेयर में पहनना है तो आप ट्रेडिशनल लुक में भी पहन सकते हो, और इसको अगर आपको बहुत ही फैशनेबल और ट्रेंडी लुक में पहनना है तो आप उसमें भी पहन सकते हो। बहुत लाइट सा एक नेकलेस, जो आपका आजकल नेकलेस चल रहे हैं ना डायमंड नेकलेस वगैरह, बहुत ही लाइट सिंपल चेन वाले और सिंपल, और उसमें इसको बहुत ही डिजाइनर लुक दे के आप इस साड़ी को पहन सकते हो। तो अगेन यार दिस इज दी सेकेंड वन। और एक साड़ी मैं और दिखा देती हूँ आपको, बिकॉज आई थिंक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं बहुत साड़ियाँ दिखाने बैठ जाऊँगी तो, बिकॉज अब साड़ियाँ ना शादी में बहुत आती हैं सीरियसली, चाहे आप पहनो चाहे मत पहनो, बट साड़ियाँ होती हैं बहुत सारी। तो अभी मैं एक कलेक्शन दिखा देती हूँ जो अभी इस वेदर के लिए ना सबसे सही वेदर के लिए सही है। शिफॉन की जो बिल्कुल पतली सी साड़ी होती है वो बहुत ही मतलब देखने में इतनी ऐसे लगती है ना न्यूली मैरिड के लिए, और लेकिन है बहुत ही लाइट वेटेड, मैं दिखाती हूँ आपको। तो या गाइस दिस इज दी साड़ी, आप देख सकते हो इसका जो कलर है ना वो जैसे
क्या हम बोल सकते हैं इसको, गाजरी कलर बोल सकते हैं, थोड़ा सा पिंकिश और ऐसा लुक है। और इसमें ऐसा आपका देख सकते हो, ये जो है ये वर्क है, बहुत ही लाइट वेटेड साड़ी है, बहुत ही लाइट वेटेड साड़ी है। और इसका बॉर्डर है सुंदर सा, और इसमें ऐसे जो आपको पल्लू है इसमें टसल्स लगे हुए हैं इस तरह के। सुंदर साड़ी है बहुत ही, जो न्यूली मैरिड गर्ल्स होती हैं वो इसको कैरी कर सकती हैं। लाइट वेटेड भी है, बहुत सुंदर साड़ी है ये। अगेन दिस इज द लास्ट वन यू कैन से। बहुत सारी साड़ियाँ मैंने आज आपको दिखा दी है, बिकॉज बहुत सारा कलेक्शन है। हम एक वीडियो में अगर बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैंने जैसा कि आपको बोला था मैं पार्ट वन पार्ट टू करके ऐसे वीडियोज़ बनाऊंगी। तो मैंने पार्ट वन में आपको अपनी जो भी मेरी सिल्क की साड़ियाँ थी वो मैंने आपको दिखाई थी, पार्ट टू में मैंने आपको थोड़ी जो मेरी पॉली जॉर्जेट और जॉर्जेट मिक्स एंड शिफॉन उस तरह की साड़ियाँ मैं आपको पार्ट टू में ये दिखा रही हूँ। आई एम श्योर अभी भी मतलब आप बाकी वीडियोस भी मैं लाऊंगी साड़ी के, अभी और भी दिखाऊंगी, अभी ये कंप्लीट तो नहीं हुआ है, मैं और भी जो मेरे पास कलेक्शन है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। सो या अभी के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही, ये कलेक्शन जो मैंने आप लोगों को दिखाया है, और होप यू लाइक माई कलेक्शन, आपको अच्छा लगा होगा। और आप प्लीज़ अगर मुझे सजेशन बॉक्स में और कुछ भी सजेशन देना दे सकते हैं तो, बिकॉज सिंस आई एम अ बिगनर यूट्यूबर राइट, तो मुझे ना लोगों की फीडबैक की और लोगों के कमेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पे, कि मैं कैसे अपने वीडियोस को और अच्छा बना सकती हूँ। जैसा कि मुझे अभी और भी कमेंट्स मिलते हैं मेरी वीडियोस में, मुझे बहुत अच्छा लगता है सीरियसली, मुझे कोई ऑफेंसिव फील नहीं होता, मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग एटलीस्ट मेरे वीडियोस देखते हैं, इंटरेस्ट शो करते हैं और मुझे एक अच्छा ऑनेस्ट फीडबैक देते हैं। तो या दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी, मुझे आपके लाइक और शेयर करने से मुझे ना बहुत मोटिवेशन मिलती है एक, तो वो मोटिवेशन मुझे चाहिए इस टाइम पर, और आपका बहुत सारा प्यार सपोर्ट चाहिए मुझे। सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, और अच्छा लगा होगा आपको ये वीडियो, अगर अच्छा लगा मेरा कलेक्शन, अच्छा लगा मेरा वीडियो, तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर करना, बिकॉज मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन, जैसा कि मैंने बोला कि मुझे मोटिवेशन मिलता है अपनी आगे वीडियोज़ को बनाने में। तो और या गाइस, तो आप फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल पे विजिट करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो या दैट्स ऑल अबाउट, बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, बाय बाय।